हो गई, आपके अकोमोडेशन के बारे में भी आपको नोट्स मिला, तो उस हवाले से आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए मुझे चाहे पासपोर्ट बंद करना हो, चाहे एजेंसीज के ज़रिए, ईडी जैसी एजेंसीज के ज़रिए फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाना हो, और अब ये जो मकान खाली करना हो, ये मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता, मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही है। अगर मुझे हैरानगी हो रही है तो मुझे आप मीडिया के डिस्कशन पे हैरानगी हो रही है, जबकि आप लोगों का प्राइम टाइम डिस्कशन होना चाहिए। तो जो हाल ही में 18-19 साल का बच्चा आरिफ बशीर गनाई पुलिस की कस्टडी के अंदर जाँ बहक हो गया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो अभी उस पर तो इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक्यूज था, उस पर अभी मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ मुलजिम था। तो वो कैसे मारा गया कस्टडी के अंदर पुलिस के में के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए, वो आपका प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए। कौन सी बात है, मैं वो मुफ्ती को जी मकान खा तो करेंगे खाली इसमें, अगर इनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं है, किसी चीज़ का एहसास नहीं है, तो हम करेंगे इसमें क्या है। आज तो ऐसा बच्चा जो 18-19 साल के बच्चे को कस्टडी में जाके इस तरह से वो मार दिया गया, तो महबूबा मुफ्ती क्या चीज़ है, महबूबा मुफ्ती को मकान ही छोड़ना है ना। तो इसके ऊपर डिस्कशन होना, डिबेट होना, मुझे बहुत अफसोस है मीडिया के जो लोग हैं जो इस पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बजाय इसके कि जो संजीदा हमारे मसले मसाइल हैं, जिसमें ये आरिफ गनाई 18-19 साल का बच्चा इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किल हालात में सिक्योरिटी के अंदर, कस्टडी के अंदर मारा गया, कोई इल्ज़ाम उसके खिलाफ प्रूव नहीं हुआ, उसके बावजूद कोई बात ही नहीं उसके बारे में, कोई बहस ही नहीं, कोई मुबाइसा ही नहीं। तो ये मेरा मकान तो खाली करना, ये कौन सा बड़ा मुद्दा है, मुझे समझ नहीं आती।